मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो आज हमारे मेरे मायके में है होली का मेला लगा हुआ है, तो आज हम वहाँ पे जा रहे हैं सभी। हमारे पतिदेव और भाई तो चले गए हैं आगे, तो अभी हम बाइक पे जाएंगे। तो आप सभी को मैं अपने मायके का मेला दिखाऊंगी, तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो गाइज़ यहाँ पर मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं, पापा आ रहे हैं बाइक लेकर। तो अभी हम मेले में पहुँच चुके हैं, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मेले में भीड़ भाड़ लगी हुई है खूब। गाइज, यह मेला श्री गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी पांवटा साहिब में लगता है। इसको होली का मेला या होला मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं मेला देखने के लिए, और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। रात को बहुत दूर दूर से यहाँ पर कलाकार आते हैं। लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए। ये जो ये कार्यक्रम है ये 3 दिन तक लगता है, और बाकी मेला 8 या 10 दिन तक लगता है। 8-10 दिन तक यहाँ पर दुकानें लगी रहती हैं, मेले में लोग आते रहते हैं घूमने के लिए।
चश्मा लेने के लिए, क्योंकि मैंने अपना चश्मा ठीक करवाने के लिए दिया हुआ था। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। तो गाइज, कुछ देर मेले में घूमने के बाद अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए। तो ये जो गुरुद्वारा है, यह हिमाचल प्रदेश के सभी गुरुद्वारों में से सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो यहाँ पर सभी माथा टेकने के लिए आते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, बाहर देश से भी आते हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए। यह गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ का मनमोहक दृश्य आप सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही प्यारा है। आप सभी को यहाँ पर बहुत ही सुकून भरा माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए।
तो गाइज मैं गुरुद्वारे में घूमने के बाद अभी हम वापस फिर से मेले में आ चुके हैं। थोड़ी देर यहाँ पर घूमेंगे और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से घर पे जाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है अब यहाँ पर। तो गाइज़ अभी मैं आ चुकी हूँ बस स्टैंड, क्योंकि अभी हम घर के लिए जाएंगे। मैं और पापा बस में जाएंगे, क्योंकि हमारे पतिदेव और भाई बाइक पे चले गए हैं और बच्चे भी उनके साथ, तो अभी हम बस में जाएंगे। तो गाइज़ अभी हम मेले में से आ चुके हैं, क्योंकि दिन भर वहाँ पे खूब घूमे आज और धूप भी काफ़ी तेज़ थी वहाँ पर। तो मेरा भाई और पतिदेव भी आ गए हैं, या अभी सोने की तैयारी में है सभी। खाना वगैरह हमारा हो गया है। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज़ मिलते हैं आप सभी से और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।